यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे, बढ़िया ही होने चाहिए। तो पिछले एक हफ्ते से ऊपर हो गया, मैंने कोई व्लॉग ना डाला ना कोई व्लॉग शूट किया है। तो उसका भी एक रीज़न था, तो वो रीज़न ही आपको बताने के लिए आज का मैं व्लॉग बना रहा हूँ कि पिछले 7 दिन से मैंने कोई व्लॉग क्यों नहीं डाला। तो उसका रीज़न भी आपको इसी वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। और मैं अभी तो बाहर जा रहा हूँ, तो बाहर चल के आप बात करते हैं। तो नीचे मिलता हूँ आपको ब्लैक डॉग के पास। हेलो, तो देखो अभी मैं बाहर आ चुका हूँ और मैंने कोई फ्लैट से वीडियो पार्किंग में से ब्लैक डॉग का स्टार्ट नहीं किया, सीधा बाहर ही आकर कर रहा हूँ वीडियो शूट। तो अभी मैं फ्लोरा 158 के पास हूँ और मुझे बेस्ट लोकेशन लगी तो मैं इधर ही रुक गया हूँ। ये पड़ी अपना ब्लैक डॉग। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अर्शद भाई का क्या रीज़न था, क्या रीज़न था? तो मेरे मुझे वो क्या बोलते हैं, फ्रेंडशिप, जो कोई गर्ल आप लोगों का फ्रेंड बनती है तो आपको लगता है कि वो बढ़िया फ्रेंड है, ऐसा वो ये वो। तो मेरी एक स्नैपचैट पे एक फ्रेंड बन गई थी, तो वो बात कर रही थी यही मेरे स्नैपचैट की थी, तो हर बार मुझसे बात करती थी, हर रोज़ बात करती थी। तो उसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी वो इरिटेट हो रहा था मैं, और वीडियो भी शूट नहीं बढ़िया तरीके से कर पा रहा था। तो उसको थोड़ा वो बीमार थी, तो मैंने थोड़ा उसको इग्नोर की और इरिटेट किया, तो उसको लगा कि मैं उसको परेशान कर रहा हूँ। तो उसकी वजह से वो बोल रहे हैं कि अब से अपनी फ्रेंडशिप ख़त्म और ये वो ये वो। तो मैंने भी सोचा कि उसको इतना एक वो है कि वो बोले तो फ्रेंडशिप ख़त्म, तो मुझे भी ऐसा कोई है नहीं कि वो बुलाएगी तो ही मैं आपसे बात करूँगा और वो कुछ भी ऐसा भी वैसा मेरे को बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे कोई ऐसी इंटरेस्ट नहीं है किसी लड़की की लाइफ में कि मैं उसको इन्वॉल्व, कि कोई भी लड़की को मैं ऐसा वो मेरे से बात करे तो ही मेरा दिन बढ़िया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर वो ऐसा वो मेरे बगैर मेरे उससे बात किया बगैर रह सकती है तो मैं क्यों नहीं रह सकता? तो मैंने भी उसको बाय बोल दिया है, गुड बाय बोल दिया कि अभी से मैं भी तेरे को मैसेज नहीं करूँगा और तू भी मेरे को मैसेज मत करना। मैंने फाइनली उसको बोल दिया, तो उसने बोला कि तू ऐसा बोलता है ऐसा बोलता है, मेरे को तेरे से बात नहीं करनी, ऐसा बोलने लगी। मैंने इससे कोई दिक्कत नहीं, तेरे को जैसा ठीक लगे वैसा कर। तो उसने अभी थोड़ी देर पहले मेरे मैसेज एक दोस्त पड़े थे वो वाले, उसने सीन किए, फिर अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मुझे भी ऐसा नहीं है कि वो रिप्लाई देगी तो ही बढ़िया रहेगा। तो और उसका मैं इस वीडियो में कोई नाम वाम रिवील नहीं करना चाहता, क्योंकि नाम ऐसा लूँगा तो उसको लगेगा कि कोई भी लड़की हो उसकी हम इज्जत पे नहीं बोल सकते कि वो मुझे मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। तो आपको जो भी लगे सही बोल के इस वीडियो बढ़िया लगे तो इस वीडियो को लाइक करना। अभी मैं थोड़ा बाहर वन थोड़ा फ्रेश होने जा रहा हूँ, उसका मैं ब्लॉग शूट होगा तो शूट कर लूँगा, वरना ये ब्लॉग हम आज का यही एंड कर लेंगे। और आपको ये रीज़न जो मेरा है आपको लगे कि झूठा है ऐसा वैसा, नहीं ऐसा नहीं है। तो आपको लास्ट एंड में मेरे स्नैपचैट के जो स्क्रीनशॉट है वो भी मैं रख दूँगा, तो वो भी स्नैपचैट के स्क्रीनशॉट भी देख लेना, तो आपके आपको ऐसे फाइनल हो जाए कि नहीं ये गलत नहीं है। वैसा सच में ऐसा एक हफ्ते से मैं उससे बात कर रहा हूँ और उसको ऐसे थोड़ी छोटी सी बात में वो बोल रही है कि नहीं तू मुझे इग्नोर कर रहा है और इरिटेट कर रहा है। तो मेरे को भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं भी उसको मना कर दूंगा। और अभी आगे कुछ बात होती है तो मैं आपको बताऊंगा। और तो ओ बाय, तो मुझे कुछ कुछ उसके बारे में बोलना नहीं है क्योंकि मुझे मन में एक बात आ जाए कि ये गलत है तो वो गलत ही लगता है, कैसे भी हो जाए, सही हो या वो कुछ भी हो, वो एक बार माइंड में हो गया कि गलत तो गलत ही लगता है। और उसका ईगो भी उसकी जगह है और मेरा एटीट्यूड एटीट्यूड भी, उसको बात नहीं करनी तो कोई दिक्कत नहीं, हमको भी कोई परेशानी नहीं है। तो फिर बाय बाय टाटा। ये सर्कल है, ये सर्कल है, घर में थोड़ी देर के लिए टाइम पास करने के लिए आ गया। तो आप लोगों को एक बात बता दूँ कि कोई भी लड़की आपको ऐसा बोले कि हाँ मैं तेरी फ्रेंड हूँ या फिर मैं तुझसे लाइक करती हूँ, तो पहले 15 दिन उससे सिर्फ बातें करो ऐसे उसके लव में या उसमें कुछ में बेवक पड़ो, क्योंकि एक बार जो बात करने का आदत लग जाता है वो बिल्कुल में मेरे को तो ऐसा कोई आदत वादत नहीं था, इसलिए मैं तो उसको बोला नहीं, मैसेज करना छोड़ दिया। तो ऐसे कई लड़के होते हैं जिनको एक दो बार बात की हुई उसको आदत पड़ गई ऐसा कुछ होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो। और किसी भी लड़की कोई भी लड़की आपको बोले कि हाँ मैं तुझे लाइक करती हूँ, मैं तेरी फ्रेंड हूँ ऐसा वैसा, तो पहले उससे शांति से सब सोच के बातें करा करो, क्योंकि कोई भी हर लड़की एक जैसी नहीं होती है, यही बोल रहा हूँ मैं भी कि हर लड़की एक जैसी नहीं होती है कि हर बार ऐसे ही
किया बना के चलिए। तो आज का ब्लॉग चलो इधर ही एंड कर देते हैं। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर और बी सेफ। लड़कियों से सावधान रहो क्योंकि चारों तरफ आपके लड़की है, लड़कियाँ है, इससे सेफ रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी थोड़ा देर इधर ब्रेकफास्ट करूँगा और फिर सीधा घर पे चला जाता हूँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और अपने चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ यार। अपने को मोस्टर के लिए अमाउंट भी जमा करना है थोड़ा सा। तो अभी तो आपको लिखा हूँ कि हर्षित भाई से बात कर रहे हैं। तो हर्षित भाई पूरे बीमार पड़ा हूँ मैं। मेरा नाम भी हर्षल है और फ्रेंड का भी नाम हर्षित है। हर्षल मैं अभी थोड़ा सा बीमार पड़ा हूँ, मेरा अभी भी संकल्प हो रहा है। तो कल ही शाम को मैं इधर आगे खड़े होके उससे बात की, वीडियो कॉल भी बात कर रहा था। और आज देख लो तो कहीं कुछ आस पास भी नहीं नज़र आ रही हूँ। तो ध्यान रख करो और तो बाई, गुड नाइट, टेक केयर। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपनी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फटाफट एक मोस्टर लेके आते हैं। बाई, गुड नाइट, टेक केयर। लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।